वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज तो पवन तो दो तीन दिन से ऐसा चल रहा है कि बात ही मत पूछो, जैसे लगेगा अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी बारिश का टाइम नहीं है। पर अच्छा है, पवन है तो गर्मी थोड़ी कम लगती है, तो ऐसा एटमोसफियर है। आप भी कमेंट कीजिए आपके यहाँ कैसा एटमोसफियर है, पवन है या नहीं है। तो ऐसा है, अभी अभी उठ के थोड़ी देर यहाँ पर सोने के लिए लेटा हूँ। आज तो मंडे है, तो बैक टू द रूटीन, वीकेंड खत्म हो गया। और क्या है कि वेदश्री के स्कूल को जाना है, थोड़ा बहुत काम है वहाँ पर, तो वो कंप्लीट करने के लिए जाऊँगा। तो सैटरडे को ही जाना था, लेकिन तब थोड़ा काम आ गया था, तो इस वजह से नहीं जा पाया था। तो उनका जो नेक्स्ट जो होता है पढ़ने का स्टार्ट करना है, तो उसके पहले के थोड़े बहुत क्या प्रोसीजर है वो करने के लिए जाना है, तो वो आज जाऊंगा। और तो क्या, अभी दिखाते हैं अभी आपको जो जो कुछ आगे होता है, वो कुछ दिखाने लायक होगा वो आपके लिए रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ये है हमारा नाश्ता, और बच्ची तो अभी सो रही है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी बैठ गया नाश्ता करने के लिए। जोर से चल रहा है ना कि आपको मेरी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही होगी, तो चला लेना, क्योंकि पवन अभी 3-4 दिन से इतना जोर से चल रहा है कि बात ही मत पूछो। तो ऐसा है, अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ दिखाने लायक होगा, तो बने रहिए हमारे साथ तब तक। देखो, आज मैं भगवान कृष्ण के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वैसे आप सबको पता ही है, पर मेरे जो व्यूइंग पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक आप सोचिए या फिर देखिए, तो ये बात है। बाकी पता तो आप सबको रहता ही है। तो उसका जन्म कहाँ हुआ, तो वो भी मथुरा की जेल में हुआ। अभी सोचिए किस बच्चे का जन्म जेल में होता है, तो वहां से ही उसको तकलीफें आना शुरू हो गई, तो पूरा जीवन उसका तकलीफों में ही गया है। आप एक बार पूरा चेक कर सकते हो कि मथुरा के जेल में जन्म हुआ, फिर बहुत ही वो क्या है, मासी पूतना और बकासुर और ऐसे सब असुरों का नाश करते जब छोटे थे, तब से ही ऐसे सब प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते ही रहे स्टेप बाय स्टेप। इतने प्रॉब्लम तो हम किसी की लाइफ में नहीं आते हैं, फिर भी वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। उसका सभी प्रॉब्लम्स का सामना उसने बहुत अच्छी तरह से किया है, और लास्ट में जब उसका जो क्या है परिवार था, वो उसके जो बच्चे के बच्चे जो थे, वो सब आपस में ही लड़ के गुजर गए, और वो भी जिंदा था। तो इतना बड़ा दुख तो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा पूरे जीवन में खुश रहे। उसके जीवन में जितनी तकलीफ और प्रॉब्लम्स आई ना, उतनी तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम और तकलीफ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ऐसे अगर भगवान की लाइफ देखे तो उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कभी आपको वो दुखी नजर नहीं आएगी। और दूसरी बात कि उसने जब 11 साल बाद, शायद उम्र का एग्जैक्ट फिगर ना भी हो तो वो आप समझ जाए, 11 साल बाद जब उसने गोकुल छोड़ा, ठीक है, वो छोटे थे तो वहां से बड़े हुए, तो उसने गोकुल छोड़ा, उसके साथ गोकुल के लोगों को छोड़ दिया, साथ में उनके मित्र और वो सब थे उनको भी छोड़ दिया, और उसके साथ वो बांसुरी बजाते थे वो छोड़ दिया, वो छोड़ के मथुरा आ गए। मथुरा भी थोड़ा टाइम रहे, लेकिन उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ के द्वारिका में उसने द्वारिका में अपना नगर बनाया। तो ऐसे वो लाइफ में आगे आगे बढ़ते गए, और एक बार जिसको छोड़ दिया फिर वापस मुड़ के उसके पास गए नहीं है। जब बांसुरी छोड़ी तो सुदर्शन ले लिया, सुदर्शन छोड़ा, सुदर्शन तो साथ में ही रखा है। तो ऐसा है, एक बार जिसको छोड़ दिया उसको फिर हाथ नहीं लगाया, या फिर वापस मुड़ के उस तरफ देखा नहीं है। तो बहुत ही मोटिवेशन वहां से भी मिलता है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और एक बार जो चीज छोड़ दी तो फिर वापस नहीं देखी। कहीं कहीं ये जगह इम्प्लीमेंट होता है, कहीं कहीं नहीं होता है।
आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ पर करना चाहिए, सभी जगह इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि कोई जगह थोड़ा ये इम्प्लीमेंट करने से एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है, तो अच्छी जगह वो आप सोच लीजिए आपके लिए क्या जरूरी है उस तरह का करना है।